नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमने लाए हैं आप लोगों के लिए परवल। ओडिशा का फेमस डिश लेके आए हैं परवल। रसीले परवल करी आज हम बनाएंगे। आइए दोस्तों बनाते हैं, कम मसाला में और टेस्टी भी, थोड़े थोड़े डिफरेंट तरीके से परवल, रसीले परवल का करी आज हम बनाएंगे। आइए दोस्तों बनाते हैं। जाते जाते एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए रेसिपी जानने के लिए। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर परवल लिए है। परवल को पील ऑफ करने के बाद इसको पानी में साफ करके इसको बीच में से काट लिए हैं। आप अपने हिसाब से काटिए, आप जैसा साइज बनाना चाहते हैं, छोटा बड़ा, आप उसी हिसाब से काटिए। हमने यहाँ पर ग्रेटेड कोकोनट 1 कप लिए हैं, 1 कटा हुआ टमाटर लिए हैं। ये रहा हमारा मसाला, आपको ये सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने ग्रेटेड कोकोनट को 1/2 कप पानी डालकर इसको ब्लेंड करके इसका जूस निकालेंगे। ये रहा हमारा कटा हुआ परवल, इसको मैरिनेट करने के लिए हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर ले रहे हैं। आप चाहे तो लाल मिर्ची को स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन हम ये मसाला कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम कढ़ाई में नहीं डाल रहे हैं ताकि ये मसाला सब लग जाएगा कढ़ाई में तो अच्छा नहीं बनेगा। पहले मैरिनेट कर लेते हैं। देखिए हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल लेते हैं। तेल गरम हुआ कि नहीं हम पहले एक परवल को डाल के टेस्ट करते हैं। देखिए हमारा तेल गरम हो गया है, अब बाकी परवल को डालते हैं। अब परवल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमें ये परवल को सीम में पकाना है ताकि अच्छी तरह से पके, इसलिए मिक्स करने के बाद इसको कवर कर लेते हैं। देखिए हमारा परवल का फ्राई हो चुका है, हम इसको थोड़ा और फ्राई करेंगे। हमारा फ्राई अच्छी तरह से हो चुका है, अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए परवल को निकाल लिए हैं। ये रहा हमारा बाकी का तेल, उसी तेल में हम मसाला को थोड़ा फ्राई करेंगे। हम जितने सारे मसाला लिए थे सबको यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। सिर्फ कोकोनट को छोड़कर, नारियल को छोड़कर हम सभी मसालों को यहाँ फ्राई कर रहेंगे। थोड़ा 10 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमारा फ्राई हो चुका है। पहले इसको ठंडा कर लेते हैं, मिक्सचर में डाल रहे हैं ब्लेंड करने के लिए। देखिए ये रहा हमारा मसाला का पेस्ट, ये रहा हमारा नारियल का पानी। इसी से आज हम बनाएंगे परवल का करी। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल लेते हैं। हम यहाँ पर तेजपत्ता और लौंग डाल रहे हैं अच्छा स्मेल आने के लिए। अब मसाला को डालते हैं, इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। मसाला को 10 मिनट तक पकाना है। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर लेते हैं। देखिए हमारा मसाला का उबाल आ गया है, अच्छी तरह से बन गया है। देखिए हमारा ग्रेवी बन गया है। हमारा फ्राई किया गया परवल को आप इसमें डालते हैं। परवल को मसाला में थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम पहले 1 टेबलस्पून नमक डाले थे, अब स्वाद मुताबिक थोड़ा नमक डाल रहे हैं। 1/2 टेबलस्पून मिर्ची डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ग्रेवी के लिए हम यहाँ पर 1/2 गिलास पानी दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको कवर कर लेते हैं। देखिए हमारा परवल का करी बन गया है, कितना अच्छा बना है। आप इसमें नारियल मिल्क देंगे। नारियल का जूस हम पहले बनाए थे, इसी को हम इसको डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमें परवल को नारियल जूस में 5 मिनट तक पकाएंगे। हमें नारियल मिल्क से इसको पकाना है परवल को, ताकि अच्छा टेस्ट आए, नारियल में घुल मिल जाए। देखिए कितना अच्छा बना है। आप इसी तरह बनाइए और खाइए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसको राइस में, चपाती में, सभी के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी है, मैं बता नहीं सकती। आप बस बनाइए और टेस्ट कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए बहुत सुंदर बना है, टेस्टी भी।
जाते जाते एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।